रोहित जी सर बहुत कॉन्स्टेंट योर पास थैंक यू सर यस 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 ओ दादी कैसे कोड़ी अब उठाने दे मेरे अब स्टार्ट हुई है लगने भूख यहाँ पे आऊँ सुबह तो मैं उनके साथ खाऊंगा डोसा वगैरह बेंगलोर के लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन में आपको टाई भी पहननी पड़ती है तो बस मैं भी टाई पहन रहा हूँ अब जब ओवरऑल होता तो कोई रेस्ट लेने का चांस नहीं है तो इसलिए फिर मैं इन्वर्टर वाले सॉकेट में सारे कनेक्शन करके रख रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इन मतलब ओरल्स के बीच में ना वो कहते हैं कि आपको बाकी आपको प्रिपेयर होकर पूरा रेडी रहना अभी मैं जस्ट अपनी मीटिंग का वेट ही कर रहा हूँ मैं लॉबी में हूँ वेट पे हूँ यहाँ टेंशन होती जा रही क्योंकि मैं सुबह 9:30 से बैठा हूँ और अभी 11:30 हो चुके हैं मतलब 2-2.5 घंटे हो ही चुके हैं और अभी तक कुछ पता नहीं मतलब लॉबी में वेट करना है वो अभी तक तो लंच के लिए चले जाते हैं सर्वेयर और 12 से 1 के बीच में वो कहते हैं फिर उसके बाद आपका होगा ओरल मैं सोच रहा था जल्दी हो जाएगा ओरल तो जितना बड़ा उतना पता लग जाएगा बट अभी एक्साइटमेंट और एनजाइटी की वजह से ना आपको ऐसा लग रहा होता है कि जल्दी से पेपर हो जैसे पेपर के दिन होता है ना कि आपको जल्दी से पेपर ख़त्म करने की बड़ी होती है बस यही है वो 20 मिनट्स एंड 10 मिनट्स का जो क्वेश्चन आंसर का राउंड होता है इनके साथ वही होता है सबसे तगड़ा फंक्शन 4B and 6 व्हाट काइंड ऑफ शिप्स यू सेल्ड ऑन एलपीजी टैंकर गैस टैंक Turning on air but not on fuel. So first I'll. Yes, sir. Good afternoon, sir. Rohit, you wait in the lobby. Okay, sir. Okay, sir. Oral तो हो गए अच्छे. बस अब result आना है. पानी पी लेता हूँ सुबह से कुछ मैंने खाया नहीं है ना पिया रोहित जी सर बहुत कॉन्स्टेंट योर यस 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 भाई ये बात तो सही है यार ये बात तो मैंने सेफ्टी में भी देखी थी कि अगर सेफ्टी में मैं उसके सामने रुका नहीं ना तो उसने कुछ बोला भी नहीं मुझे कि हाँ ठीक है 2:30 बज रहे हैं सुबह से एक्साइटमेंट के मारे कुछ खाया भी नहीं अब विराट से मिलने जाना है तो उसकी भी एक्साइटमेंट है सारे दोस्तों को कॉल करके बता रहा था मतलब मैंने सिर्फ ग्रुप डिस्कशन की थी इमोशनल हो ही जाता बंदा मतलब यार ओरल से एक ऐसी चीज़ है ना कि आप पढ़ोगे तभी आप हो पाओगे और ग्रुप डिस्कशन बहुत मैटर करता है कि आपकी ग्रुप डिस्कशन हो रही है आप आंसर दे पा रहे हो कितनी फ्रिक्वेंटली आप आंसर दे रहे हो मुझे सिर्फ यही डर था कि मेरा जल्दी सो जाए इतना रिलैक्स फील हो रहा ना आज कुछ खाया नहीं है मैंने सुबह से बस चाय पी थी यकीन नहीं हो रहा वैसे क्लास 4 में मतलब जब मैंने 4th इंजन के टाइम में दिया था तब मेरे एक पास किया था मुझे और एक में रिपीट किया था और बाकी दो दो फंक्शन थे वो दोनों मेरे को एक साथ ही मिले थे और इस बारी मुझे एक फंक्शन दे दिया और बाकी जो दो फंक्शन है वो मुझे एक साथ मिले अब एक फंक्शन रहता है बस खाली बहुत इमोशनल मोमेंट था यार बहुत ज़्यादा अब जाके सुबह के बाद मैंने कपड़े चेंज किए हैं ये होता है वो डॉक्यूमेंट जो हमें लेके बैठना होता है एग्ज़ाम टाइम में मतलब यहाँ पे आपको बताता है कि आपका एंडोर्स नंबर क्या है और आप कौन से फंक्शन के लिए अपीयर कर रहे हो फाइट के लिए मैं लेट हो गया हूँ आज मैं जल्द मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना मेरे को लगता है
कार निकालने में, जब आपको कार निकालनी हो और आपको ये पता हो कि आपका टाइम बिल्कुल नहीं। आप लोगों ने ऐसे लिफ्ट दिया मुझे वो, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तू चला के लाता तो जरूर हम पहुंचते ना टेढ़े-मेढ़े। सेकंड भी जल्दी से हो गया, बस मैं अपनी फ्लाइट को पकड़ने जा रहा हूँ क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ। बाकी एयरपोर्ट छोटा है, T1 टर्मिनल, मेरे को लगा था पहले T3 से, T3 पे तो बहुत भीड़ होती है, और मेरी यहाँ से फ्लाइट है बस कुछ ही देर में पासिंग आउट करके तो कुछ खाऊं क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ की भूख लग रही है। तो टाइम बचा नहीं तो मैंने कहा कॉफ़ी ले लेता हूँ, कॉफ़ी से गुजारा हो सकता अभी क्योंकि मेरी फ़्लाइट आई थिंक 2 घंटे लगते हैं, वैसे 2:30 या 2:20 मिनट्स में लैंडिंग होने के चांसेस होते हैं, बट 2 घंटे में मैंने देखा है मैक्सिमम टाइम में स्पीड बढ़ा के जल्दी से 2 घंटे में जाती है। बस मैं अपने गेट के पास जा रहा हूँ, 20 मिनट बचे हैं और पहुँचने के बाद फिर मैं अपना बाकी चीज़ें करूँगा जो मेरे को अपना, एक तो देखना है कि थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन, आपके एग्ज़ाम होने के बाद ना आपको फिर से री एग्ज़ाम बुकिंग करनी होती है तो वो मैंने की थी, बट मेरा प्रोसेस ना बीच में अटक गया था। मैं एयरपोर्ट पे पहली बार आया हूँ बट ये मुझे फीलिंग पता कैसे दे रहा है, जैसे मैंने मैक्सिको से अपना तांपिको एयरपोर्ट के लिए ज्वाइनिंग की थी तो तांपिको एयरपोर्ट बहुत छोटा था वहाँ पे, और तांपिको एयरपोर्ट भी ना इवन ऐसे ही था, बड़ा छोटा सा, और मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे हम कहाँ पर आ गए, कोई वही वाली फीलिंग दे रहा है। और मेरा गेट नंबर आ गया और अभी तक कोई स्टैंड तो आई थिंक लगा नहीं है, और अभी फ़्लाइट का अभी कोई टाइम कंफर्म नहीं हुआ और ना फ्लाइट अभी जाने के मूड में है। एक तो मैं कल रात से जागा हूँ ओरल की वजह से, वो थी डर के मारे मतलब पढ़ाई करने के लिए, और अभी रात के 3 बज चुके हैं जब हमारी फ़्लाइट लैंड हुई है और अब हम पहुँचे, तो मतलब नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही, एक तो एक्साइटमेंट वाली नींद नहीं थी, और पहले था कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन थी तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए नींद नहीं आई, और अब है कि डर इतना लगा हुआ था और एक्साइटमेंट थे मिलने के लिए हरे और विराट से। बेसिकली एयरपोर्ट की वहाँ से कैब वगैरह की फैसिलिटी है और यहाँ पे आप बैठ के अपना डिनर या लंच या ब्रेकफास्ट जो भी कह लो, कॉफ़ी मस्त है। इसमें उसने गुड़ डाला है, गुड़ के साथ दूध जो यहाँ पे है ही फेमस, और साथ में कॉफ़ी जो यहाँ पे बड़ी फेमस होती है, और मैं यहाँ से ले जाने वाला हूँ इस बारी। तो 1 घंटे बाद में पहुँचूंगा, वो वाला था वो एयरपोर्ट जो मैंने पहले अपनी रील में दिखाया था T2 टर्मिनल, बहुत अच्छा बना वो, मतलब जिसने नहीं देखा वो इंस्टाग्राम पे जाके देखना, मैंने उसकी रील डाली थी, मतलब अमेजिंग एयरपोर्ट है वो जो बनाया हुआ है। आराम से